सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है दिन शुक्रवार 7 मई। मार्केट्स ओपन हो चुके हैं, सारा कुछ चालू हो चुका है यहाँ पे, लेकिन दिक्कत एक बात की आ रही है कि भाई अभी जैसे सारा कुछ खुल गया ना, मतलब कल खुला है और कल के बाद इतनी ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिली और अभी ऐसा लग रहा है कि केसेस फिर से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोग के यहाँ पे कैसा सीन चल रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, कहाँ से है आप लोग वो भी एक बार कमेंट करके बताइए। वीडियो की शुरुआत करते हुए लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मेरे प्यारे देशवासियों, इसको बुखार लग चुका है दोस्तों, देखिए। इधर दिखाओ तुम अपना हाथ, दिखाओ जरा टेम्परेचर, देखते हैं 97.7 डोरगी आ गई है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप इसका। दरअसल ये एक प्रकार का तरीका है और इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के बाद आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा मित्रों। ये एक बहुत ही शानदार षड्यंत्र कह सकते हैं इसे, समझ रहे हैं मतलब मैं क्या। घड़ी खराब है समझे, ये घड़ी खराब है। जब तुम बाहर जाओगे और तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर जितना होना चाहिए उससे ज्यादा होगा ना, ये घड़ी वाइब्रेशन होना चालू हो जाएगा। तुमको ऐसे इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम बहुत गंदा सो रहे हो 2 दिन से और आज तुम लेट से उठे हो। तुम आज देर से उठे हो, सबसे बड़ी बात। कितने बजे उठी हो? फिर 9 बजे उठी है आज तुम। कितने पहले? तू 4 बजे उठती थी, 5:30 बजे सुबह। और सबसे बड़ी बात, फ्रिज से निकला हुआ आइटम खाना भाई सब, वो भी रात के समय। मतलब ये एक प्रकार का षड्यंत्र ही है जिसके तहत अपना तबियत खराब कर लिया जाता है और तबियत खराब होने के पश्चात आराम से लेट जाने का है। हम तुमको लाइव डेमो देंगे। हम तुमको नॉर्मल बता रहे हैं, मेरे को कुछ कम जा रही, खाई काली खरबूजा देखिए दोस्तों। मुझे धूप में खड़ा होना पड़ रहा है इस लड़की को डेमो देने के लिए। बढ़ रहा है मेरा टेम्परेचर दोस्तों। रूम के अंदर मैं 97 में था और अभी मेरा टेम्परेचर 98 हो चुका है दोस्तों। और इसको सुताओ पहले, इसको नींद पूरा नहीं हुआ, इसको सुताओ। मैं तुमको, मैं तेरे बैसाखी बनेगा। नहीं लग रहा, घंटा नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। चलो अब दूर रहो इस लड़की से मम्मी, मैं इसका बैसाखी बनेगा दोस्तों। आइए मेरे गले में हाथ डाल सकते हैं, मेरे गले में हाथ डाल सकते हैं। पापा कुछ कहना चाहते हैं आपसे, आइए पापा। दो चार शब्द, मैं बैसाखी बनाऊंगा इसका। बैठ, धूप में खड़ी थी, नहीं है सिर दर्द दे रहा है, मतलब बुखार है। नहीं, गरम है कर शरीर में। धूप में खड़ी थी ना बाहर, अभी 10 मिनट बाद चेक करना। गरम है, मैं ठंडा पानी में कुछ हुआ। हाँ 10 मिनट बाद चेक करना। कुछ कहना चाहोगे मम्मी इसके बीमारी के उपलक्ष में? आज इसका उपवास है, 2 शब्द। खाना नहीं खाओगे, परण करे हो कथे, परण करत करत परण जन चल रहे। परण किए हैं गाइस, गाइस आर यू परण किए हैं? सर परण, इसके परण के बारे में कुछ कहना चाहोगे? नो प्लीज, 2 शब्द। दो शब्द ऐसा बोलना कि ऐसा बोलना कि प्राण निकल जाइए कर, प्राण निकल जाइए कर। उपवास रहे चक्कर में, उपवास रहे चक्कर में। मेरे को मिल गया यार, वीडियो में काट लूंगा। गाइस आर यू ओके, आर यू ओके गाइस? गिव मी थम्स अप। देखिए ये घड़ी जो है ये बहुत कारीगर साबित होगी तुम्हारे लिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे मित्रों, इसके नाक में ना नींबू निचोड़ देते हैं सबसे पहले। मैं मर जाऊंगी तब ऐसा लगेगा तेरे को? मैं मरना थोड़ी ना देगा, काहे टेंशन लेती तेरे को? मैं अपने इन पवित्र हाथों से मारूंगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी तेरे को। मोक्ष के लिए मृत्यु की जरूरत नहीं है, कि किसने कहा था गाइस बताइए, जैन या बौद्ध? मैं बताऊं, ये बात कही थी गौतम बुद्ध ने, मौत के लिए आपको मृत्यु की जरूरत नहीं है। देखते हैं आप लोग भी कमेंट करके, कमेंट डाउन बिलो गाइस। आजकल तो कोरोना चल रहा है, भगवान अमीर गरीब को नहीं देख रहा है मम्मी, भैंसा लोग किसी को नहीं देखते हैं, यमराज को उमेल देते हैं आप, थोड़ा संभल के रहिएगा आप, ठीक है? ठीक है हाँ, भैंसा लोग उमेल देते हैं। सपना अपने दिखाई के काटो भैंसा? मैंने सपना देखी भैंसा थी, नहीं मैंने ब्राजील गई हूँ सपने में। पापा मेरे को छत से कूदने का मन कर रहा है। तो सुनिए ना, जी जी गाइस, ब्राजील गए थे सपने में। हाँ फिर क्या हुआ था, यहाँ जो है ना कोविड रिपोर्ट ना, मेरे को पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए था कोविड का। क्यों?
तो मेरे को कुछ चीज में काम था, मेरे को याद नहीं अच्छा, है फर्जी रिपोर्ट चाहिए था। हाँ, कि मैं अपने गांव गई है ना। हाँ। तो मेरे गांव से ना ब्राजील लगा हुआ था। अच्छा, पीछा लगा ली था। फिर ना मैं ब्राजील गई थी रिपोर्ट बनवाने के लिए। अच्छा, मैं आज यही सपना देखी, मेरे को इतना खुशी हुआ ना सर। पापा पापा सुनो, ब्राजील गई थी, कुछ दो शब्द कहना चाहोगे? सपना हम कहीं भी जा सकते हैं, ब्राजील क्या, लंदन घूम के आ जाए। आप कुछ कहना चाहोगे दो शब्द सपने में ब्राजील जाने के विषय में? खुशी हुई जैसे नहीं जा सके सपना में। गजब बेइज्जती भाई साहब, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, चलिए जूस बनाते हैं। गाना गाइस। क्या क्या? गाना गाइस। अच्छा गाना गई से। अरे कौन सा गाना गाए? ते का गई से क्या वो गाना गई से? पहले मैं रोलर कोस्टर जैसे चलता था पीठ में पापा के। क्यों एकदम ऐसे यहाँ से ऐसे गोल गोल घूमना चालू करते तो पैर तक पहुंच जाता था, फिर वापिस आता था ऐसे। मित्रों ये है विक्स की गोली, लो किचकिच दूर करो, जिससे हम इसको भाप दिलाएंगे। दोस्तों ये बहुत ही जरूरी दवाई है, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। इसे हम इसमें डालेंगे और इसको पिला देंगे, मतलब इसको सूंघा देंगे। देखिए दोस्तों कैसे बैठ चुकी है। मैं आपको इस शुभ घड़ी का टाइम लैप्स दिखाना चाहता हूँ मित्र। देखिए टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। एकदम जोर से किसे ऐसे करेंगे भाई, करेंगे यार। सॉरी गाइस, इसका मुंह सन गया था, मैं बोल गया था दोस्तों, सुना गई थी दोस्तों ये। तो आज मुझे कोमोलिका के दर्शन हो गए दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों कोमोलिका, चेहरा दिखाइए ना, मैं तुम्हारी आंखें देखना चाहता हूँ। कोमोलिका तैयार हो रही है अपनी आंखें दिखाने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों आंखी खैरी पर गया दोस्तों। गड्ढा पर गया दोस्तों आंखी में। देगा क्या खाने के लिए? उसको निकाल और खा ले। ये पानी बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, इसे आप पियेंगे तो आप निपट सकते हैं। मैडम जी अभी आम छिल रही हैं, उसके बाद फिर हम आम बनाएंगे, मतलब जूस बनाएंगे आम का। अगर आप लोगों ने देख लिया अभी अभी मैंने क्या किया तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए बाइक चला के आते हैं, बहुत दिन से बाइक नहीं चलाया है। आइए आइए हम बाइक चलाएंगे। कहाँ जाओगे तुम? बाइक चलाने। नहीं बाइक चलाने हम जा रहे हैं, तुम क्यों जाओगे? बाहर के जीवन के मजे मैं नहीं ले पा रहा, मैं यही बाइक चला ले। हमारा जूस बन चुका है, हम जूस पियेंगे। सोचिए वाह बिकट खट्टा है। दोस्तों मेरे प्यारे देशवासियों, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मटकी की तबीयत खराब हो चुकी है और मुझे अस्पताल जाना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, DKS अस्पताल इस वक्त में जा रहा हूँ। मौसम जो है बहुत ही अच्छा हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कुछ इस टाइप के हाल है रायपुर पे अभी भी, नाकेबंदी जगह जगह पर। जी हाँ दोस्तों, हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं हम और अभी जाते हैं अंदर की तरफ। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो कैमरा यहीं गाड़ी पे छोड़ के जाते हैं। ओके आके मिलते हैं अपन। हम आ चुके हैं हॉस्पिटल से बाहर। सरकारी अस्पताल जैसे नहीं लगा लेकिन बिल्कुल, मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल में भी थोड़ा सा रहता है तकलीफ, ये साफ सुथरा ही लगा। चलो अभी घर चलते हैं, और क्यों आए थे हम घर जाके बताएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे देशवासियों, हम घर आ चुके हैं और ये टोपी लगाने का मतलब है ना, मैं अपने इन खराब बालों को छुपाना चाहता हूँ, इस वजह से मैं टोपी लगा रहा हूँ। तो चाहता हूँ दोस्तों, ये अपना चेहरा छुपाती है क्योंकि अपना खराब चेहरा छुपाना चाहती है, इस वजह से ये अपना चेहरा छुपाती है मित्रों। और पढ़ाई लिखाई चल रही है, देख सकते हैं कॉपी किताब खोल के बैठी हुई है। इसकी तबीयत खराब होगी, लेकिन हम हॉस्पिटल गए थे अपने नाना को देखने क्योंकि नाना जी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इस वजह से हम गए थे। हम इसको ये हॉस्पिटल के लायक नहीं है, इसको तो मैं घर में ठीक करूंगा। देख तो चलो अभी इसका जुगाड़ मैं कैसे लगा, इसको दवाई एकदम नहीं पिएगी तो इसके मुंह में, जैसे बताया कुकुर लोग को कैसे पिलाते हैं वैसे इसके मुंह में गले में डाल के इसको पिलाएंगे खिलाएंगे। गाइस गाइस ओके गाइस देख सकते हैं दोस्तों ताकत बहुत है इसके अंदर। ओके गिव मी थम्स अप, गिव मी थम्स अप गाय। ये कौन सा गाना गाए, कौन सा गाना गाइस? क्या है, हम बहुत गाइस गाइस करते रहते हैं तो हमारे पिताजी हमको पूछ रहे थे कौन सा गाना गाइस। इसमें मैं कल पानी डाला था, रोज डाले लगी, कल खाया था नहीं खाया गया। Thank you.
दोस्तों मौसम बहुत लाजवाब हो चुका है, पानी गिरने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। कांकेर में बहुत तेज बारिश हो रही है और देखिए बहुत तेज सायरन भी बजने चालू हो गए हैं यहाँ पे। क्या बताएं हम, क्या हो गया? वॉकिंग का कोटा पूरा नहीं हुआ है मेरा। कितना चल डाले? सिर्फ 2800 चले हो। दोस्तों इसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, अपना प्रण तोड़ दिया। दोस्तों इसने प्राण जाए पर प्राण ना जाए कहा था दोस्तों इसने। ये देखिए आम खा रही है, इसको भी खाई है दवा के। मेरे प्यारे मित्रों फिलहाल के लिए आज का जो ब्लॉग है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों इसका तबीयत खराब हो चुका है दोस्तों, इसको अभी मैं बोह के छत लेके जाऊंगा दोस्तों इसको चलवाने के लिए। देखिए गिलास में अपना सर मार लेगी। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ और आज का जो ब्लॉग है इसी नोट के साथ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ तक वीडियो देख लिया, लाइक का बटन तो दब ही गया होगा, नहीं दबा तो दबा दीजिए। कमेंट भी हो ही गया होगा, नहीं हुआ है तो कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बटोरिए, खुशियां बांटिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।